जो हमको करना पड़ेगा वो हम सब करेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। वो लोग सोच रहे हैं कि अब बाप को दबा दे, हम दबने वालों में से नहीं, हमको जहां तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। हमको न्याय चाहिए और सीबीआई मांग ही चाहिए, हमको सिर्फ सीबीआई मांग चाहिए, बाद में की और कुछ भी नहीं चाहिए। निष्पक्ष जांच हो। आप लोगों ने अभी तक कोर्ट में कोई अपील डायल किया है? अभी तक तो हमने वो नहीं किया है, क्योंकि हम लोग पहले मांग कर रहे हैं सरकार से, सरकार अगर मान जाए तो फिर ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम लोग कोर्ट के शरण में जाएंगे। अगर पूर्णिया जिले के सरसी में घटित बहुचर्चित पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह हत्याकांड के मुख्यारोपी और साजिशकर्ता की गिरफ्तारी नहीं होने पर रिंटू सिंह की पत्नी नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्य अनुलिका सिंह ने पुलिस पर भरोसा नहीं होने की बात कही है। अनुलिका सिंह ने कहा है कि जब तक लेसी सिंह मंत्री पद पर रहेगी तब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा और मुझे बिहार पुलिस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। इसलिए उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से मांग की है कि जल्द से जल्द रिंटू सिंह हत्याकांड की सीबीआई जांच शुरू की जाए, ताकि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अनुलिका सिंह ने आगे कहा कि अगर सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हुई तो वह राज्यपाल से मिलेगी और न्याय की गुहार लगाएगी। अब आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? तो उन लोगों का कहना था कि हम भूख हड़ताल पे जाएंगे हम लोग, तो क्या इस पे क्या? जो हमको करना पड़ेगा वो हम सब करेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। वो लोग सोच रहे हैं कि अब बाप को दबा दे, हम दबने वालों में से नहीं, को जहां तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। हमको न्याय चाहिए और सीबीआई मांग ही चाहिए, हमको सिर्फ सीबीआई मांग चाहिए, बाद में की और कुछ भी नहीं चाहिए। लेसी सिंह का कहना है कि ये पॉलिटिकल व्यू नहीं है बल्कि ये आपसी रंजिश का मामला। तो हम प्रूफ देंगे ना, हम प्रूफ दे रहे हैं। अगर उनको लगता है कि हम उनको फंसा रहे हैं और आपकी सरकार फंसाती भी नहीं और बचाती भी नहीं है, तो हम भी अगर आपको लगता है कि हम आपको फंसा रहे हैं तो मेरे पास में प्रूफ है। बिहार प्रशासन को छोड़िए, दूसरे प्रशासन को बुलाइए और सीबीआई की मांग करवाइए, हम प्रूफ देंगे, हम प्रूफ देंगे, एक एक प्रूफ देंगे, लेकिन बिहार पुलिस को नहीं देंगे। इस पर आपको विश्वास नहीं है? इनको हमको विश्वास नहीं है। बाहर का कोई एजेंसी होता है तो आप देंगे? हाँ, हम देंगे, सिर्फ बाहर। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये सुशासन की सरकार है, इस पे हम सुशासन की सरकार है तो इसीलिए तो साल में मर्डर होता है सरसी में। लालू जी के जमाने में, आरजेडी के जमाने में सब होता था, नहीं होता था? तो कहीं ना कहीं सुशासन सरकार विफलता की ओर है जी। तो इसको और ये अगर सीबीआई की मांग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम ये पूरी तरह से हम जान जाएंगे, हाँ यही चीज है। इसीलिए हमको यकीन दिलाने के लिए, मेरे क्षेत्र के पब्लिक को ये दिलाने के लिए यकीन कि राजनीतिक के तहत नहीं हुआ है, तो सीबीआई की मांग वो कर दे ली सी सिंह। जैसे शिक्षक यही मांग है कि सीबीआई की जांच कराए, वो खुद कराए, आगे आए तो बड़ा दिल दिखाए, अपना बड़ा दिल दिखाए कि हम तत्कालिक अपने मंत्री सीट को छोड़ रहे हैं और सीबीआई मांग की जांच करवा रहे हैं। इसमें कुछ और आदमियों का षड्यंत्र में नाम आ रहा है? देखिए वो हमको उतना नहीं मालूम, लेकिन इतना हमको जरूर मालूम है कि ये राजनीतिक के तहत मरे और इनको मरवाने वाली लेसी सिंह ही है। आदमी सब डर से नहीं बोल रहा है क्योंकि सरकार उसकी है, सत्ता उसकी है, बस इसी बात के लिए वो सब सब चुप है। सरसी की जनता बस इसलिए चुप है। आपसे आप आखिरी सवाल कि अगर सरकार सीबीआई जांच की मांग को पूरी नहीं करती है तो क्या पता माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बारे को लेकर आप लोग बोले तो हम आगे जाएंगे, यहाँ नहीं तो वहाँ, नहीं तो वहाँ, कितना वो रोकेगी? बिहारे तक ना वो रोक सकती है उनके, अगर आगे रोकेगी तब तो हम जो पागल होंगे ना, हम तो अपने पागल हो गए हैं, मेरा घर बिखर गया है तो और हम पागल हो जाएंगे। अब आरजेडी द्वारा कराया गया था, उस पर कितनी सफलता मिली, आपको क्या लगता है इस मामले में? सफलता तो चक्का जाम किए, क्योंकि मेरा जो कार्रवाई था वो नहीं हो रहा है, जैसे कि वो बोले थे कि 48 घंटा के अंदर में दो जो गिरफ्तारी होगा, अठिया का गिरफ्तारी होगा, वो तो हुआ नहीं। और 15 दिन बीतने वाला, 21 दिन बीत चुका है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि लेसी सिंह में इन्वॉल्व है। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो कुछ कार्रवाई तो होता है, फिर दूसरा टीम बुलाया जाता है, कुछ तो वो करती, इसमें वो तो कुछ नहीं कर रही है।
तो आप अपनी मांग जो आपने मांगा था प्रशासन से कि हमको जो है प्रशासनिक तौर पर ये मुहैया कराया जाए, सुरक्षा मुहैया कराया जाए, सीबीआई की जांच हो और उसके बाद जो है मंत्री जी की बर्खास्तगी हो, इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है या क्या? जी नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सब कोई शांत बैठे हुए हैं, सब लोग चाहते हैं कि इसी तरह से मामला किसी तरह जाए, ठंडा पड़ जाए, लेकिन हम ठंडा पड़ने नहीं देंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। और इंसाफ तभी मिलेगा हमको जब सीबीआई की मांग की वो पूर्ति करेंगे। हमको सीबीआई मांग करना है और वो नीतीश कुमार जी इन पे कोई सवाल जवाब नहीं कर, हम बार बार बोल रहे हैं सरकार आए और वो सीबीआई मांग की करे, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो होना चाहिए जो सही है, मैं अगर चाहती है वो दूध का दूध और पानी का पानी सरकार सच में करे तो सीबीआई मांग से ही सच्चाई निकल सकती है। फिर क्या रीजन था इनको मारने के, राजनीतिक के तहत मरे थे या फिर कोई उनका आपसी दुश्मनी है? अभी तक इस केस, ये केस आपका कहाँ तक पहुँचा है? कुछ अब कुछ भी नहीं, कहीं तक नहीं पहुँचा है, कुछ भी नहीं हुआ है। प्रशासन भी अब धीरे धीरे अपना जो है कदम पीछे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। सीडीआर का कुछ जांच वांच? जी नहीं, कुछ भी नहीं, जांच उच कुछ नहीं हुआ है। आपको अभी तक सुरक्षा मुहैया कराया गया है? जी नहीं। धमकी भी मिल रहा है आपको? हाँ, धमकी भी मिल रहा है हमको। किस तरह का धमकी मिलता है? अरे हमको रहने में डर लगता है, हम सोच रहे हम कहाँ जाएं, आखिर कब तक भागेंगे हम सर से। अभी अभी बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है, तो जैसे कि आरजेडी पूर्णिया में आज चक्का जाम का हुआ और की थी रितु सिंह के मामले को लेकर, क्या लगता है कि बिहार के जो प्रदेश विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव जी, ये विधानसभा में ये सवाल उठाया जाना चाहिए? उचित? हाँ, उचित होना, उठाना जाना चाहिए। हम बोल रहे हैं उठाने के लिए, सवाल विधानसभा में उठे, हमको न्याय चाहिए और वो न्याय जो है यही दिला सकती है और कोई नहीं दिला सकता। हमको न्याय चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। तो आप लोगों ने अभी तक कोर्ट में कोई अपील डायल किया है? अभी तक तो हमने वो नहीं किया है, क्योंकि हम लोग पहले मांग कर रहे हैं सरकार से, सरकार अगर मान जाए तो फिर ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम लोग कोर्ट के शरण में जाएंगे। अगर आपको बिहार सरकार पे विश्वास नहीं है तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, क्या उनसे आप लोगों की क्या भावना है? हम मोदी सिंह मोदी जी से मांग कर रहे हैं, हम पहले नीतीश कुमार जी से चाहते हैं कि वो इंसाफ करे, अगर वो इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर हम लोग मोदी जी के पास जाएंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे, कोर्ट के शरण में जाएंगे, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग नीतीश कुमार जी पे अटके हुए हैं कि नीतीश कुमार जी हमारी बात सुन ले, वो अपनी चहेती मंत्री का पद ले ले और सीबीआई जांच की मांग पूरी कर दे। अगर वो आगे ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम लोग मजबूरन आगे तक जाएंगे, कोर्ट के शरण में जाएंगे या फिर राज्यपाल के पास जाएंगे या प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। इस प्रकार की घटना से क्या लगता है कि सरकार की छवि पे भी असर पड़ रहा है? सरकार की छवि पे असर पड़ रहा है, सुशासन की सरकार को तो जंगल राज की सरकार बनाई जा रही है ना, कोई भी नहीं कहता सुशासन की सरकार है, सब कहते हैं जंगल राज की सरकार है। लालू के राज में क्या होता था उससे ज्यादा अभी नीतीश के राज में हो रहा है। तो मतलब कि ये है कि लेसी सिंह को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, खुद मंत्री पद छोड़ के सीबीआई की बात वो खुद करे। वो अगर बेनी हत्याकांड, रिंटू हत्याकांड में निर्दोष है लेसी सिंह, तो वो सीबीआई जांच की मांग पूरी कर दे, वो खुद से इस्तीफा दे के और बोले कि नहीं सीबीआई जांच होनी चाहिए, मैडम खुद से बोले। वैसे मैडम के रिलेशन में भी लगती है, मैडम रिलेशन में भाभी जो रिंटू भैया की पत्नी है उनकी भाभी लगती है, और हमारा तो क्या रिलेशन, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन था लेकिन वो रिलेशन कहने का है, नाम मात्र है, उसको हम रिलेशन नहीं कहते हैं। तो भाभी के न्याय के लिए उसको आगे आना चाहिए? आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, वो विधानसभा में विधायक है हमारी, हम लोग भी वोट दिए हैं उनको, आज वो खुद अपने वोट से जीत नहीं गई है, एक एक पब्लिक उनको वोट दिया है, तो वो पब्लिक समझ के आ जाए। कभी वो हमारे घर पे आई है क्या? बेनी हत्याकांड हो या रिंटू सिंह हत्याकांड हो, वो हमारे घर पे नहीं आई है, फिर विधान आश्वासन नहीं दी है। वो तो कह रहे हैं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, सरसे की राजनीति में पड़ते हैं। उनका उन्हीं का हाथ है ही, हम आज सरेआम बोल रहे हैं, मैडम कल को मेरे पे भी दिमाग लगा दे, हमको या तो किसी केस में अंदर करवा देंगी या तो फिर हमको मरवा देंगी, कितना हम खुल के मैडम के बारे में बोले। मैडम तो यही करवा ही रही हैं, आज हत्या करवा रही हैं, कल को फंसा रही हैं, मैडम तो यही करवा रही हैं और मेरे साथ भी वही करवाएंगी। क्या परिचय? सर्वप्रिया सिंह, बिट्टू सिंह की पत्नी सर। और
उल्टा लेसी सिंह उनपे आरोप लगा रही है, तो उनपे आरोप लगाने से नहीं होता है मैडम का। जो मैडम की है वो यहाँ आके पूर्णिया में वो चीज वो तेजस्वी जी नहीं किए थे, मैडम फंसा रही है। और ये सुशासन की सरकार क्या है, फंसाती नहीं है, बचाती नहीं है। ये भाषण मतलब ये भाषण बार बार बोलने में अच्छा लगता है कि सुशासन की सरकार है, ये फंसाती नहीं है, बचाती नहीं है। ये तो बार बार बचा ही रही है, लेसी सिंह को बचा रही है, अठिया को बचा रही है, बड़े बड़े क्रिमिनल को बचा रही है। आपको लगता है कि इस बार बेबी सिंह की हत्या हुई थी, अगर सुशासन की सरकार जिसको कहा जा रहा है कि सुशासन नीतीश कुमार जी कह रहे हैं सुशासन की सरकार है, लेकिन अभी तक बेबी सिंह के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होना, ये सुशासन है या फिर महाजंगल राज? ये महाजंगल राज है, ये सुशासन की सरकार नहीं है। ये अगर सुशासन की सरकार रहती तो एक साल पहले बूथ पे बेनी सिंह की हत्या नहीं होती। क्या क्या अपराध किया था बेनी सिंह, क्या गलती थी उसकी, उसको बूथ पे मार दिया गया। क्या अपराध किया था रिंटू सिंह, उसको थाने के सामने मार दिया गया। क्या अपराध था बिट्टू सिंह का जो उसको AK-47 दे के अंदर कर दिया गया। तो ये हमको सुशासन की सरकार बताए कि बिट्टू सिंह का क्या अपराध था, बेनी सिंह का क्या अपराध था, रिंटू सिंह का क्या अपराध था। एक CBI जांच की हम मांग कर रहे हैं, वो पूर्ति क्यों नहीं हो रही है मेरी मांग की, जबकि दो हत्या हुई, एक निर्दोष आदमी को फंसा दिया गया, तो ये सुशासन की सरकार कर क्या रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि जो बिहार पुलिस है वो पूरी तरह से मैडम के हाथों बिकी हुई, बिहार पुलिस पूरी तरह से मैडम के हाथों बिकी हुई है, और बिहार पुलिस कुछ भी नहीं करेगी जब तक यहाँ CBI जांच, वो भी कोर्ट की निगरानी में। हम CBI जांच की मांग कर रहे हैं लेकिन कोर्ट की निगरानी में, कोर्ट दे परमिशन और CBI जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। आप लोगों ने अभी तक कोर्ट में कोई PL डायल किया है? अभी तक तो हमने वो नहीं किया है, क्योंकि हम लोग पहले मांग कर रहे हैं सरकार से, सरकार अगर मान जाए तो फिर ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम लोग कोर्ट के शरण में जाएंगे। अगर आपको बिहार सरकार पे विश्वास नहीं है तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, क्या उनसे आप लोगों ने क्या बोल? हम मोदी सिंह मोदी जी से मांग कर रहे हैं, हम पहले नीतीश कुमार जी से चाहते हैं कि वो इंसाफ करें। अगर वो इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर हम लोग मोदी जी के पास जाएंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे, कोर्ट के शरण में जाएंगे, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग नीतीश कुमार जी पे अटके हुए हैं कि नीतीश कुमार जी हमारी बात सुन ले, वो अपनी चहेती मंत्री का पद ले ले और CBI जांच की मांग पूरी कर दे। अगर वो आगे ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम लोग मजबूरन आगे तक जाएंगे, कोर्ट के शरण में जाएंगे या फिर राज्यपाल के पास जाएंगे। या ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।